हे गाइज, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत गार्डनिंग टिप्स। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं स्नेक प्लांट को हम सूखने से कैसे बचा सकते हैं, और इसका रीज़न आपको बताएंगे कि ये हमारा प्लांट क्यों सूख गया। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको फुल केयर टिप्स और ग्रो टिप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा स्नेक का प्लांट सूख क्यों गया इस तरीके से। अगर सूखने की बात करें तो एक कारण है इसका कि सर्दी का मौसम था और बहुत ही तेज़ी से सर्दी पड़ी और ओले भी गिरे, जिसकी वजह से हमारा प्लांट बहुत ही बुरी तरीके से सूख रहा है। और इसका रीज़न ये है कि ये पूरा आउटडोर में था, यहाँ पर ना ही कोई शेडी एरिया थी, ना ही कोई छांव था, पूरा खुला एरिया था, जिसकी वजह से डायरेक्ट इस पे ओले गिरे और ये प्लांट की हालत कुछ इस तरीके से हो गई। तो अभी हम बात करते हैं कि हम इस प्लांट को किस तरीके से फिर से केयर करेंगे, जिससे कि हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जो पत्ते हैं जो बेकार हो रहे हैं, हमको उनको ट्रिम करना होगा, कट करना होगा, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में फंगस ना लगे, वरना फंगस लग जाएंगे। जो ये न्यू बेबी निकल रहा है ये भी हमारा बेकार हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसमें बेकार लीफ है हम उसको कट कर लेंगे। सबसे पहले कट करने के बाद हम अपने प्लांट को काफ़ी सेफ रख पाएंगे फंगस से। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने इस प्लांट को अच्छी तरीके से जो बेकार पत्ते हो रहे थे, जो सड़ गए थे, हमने उसको निकाल दिया है और ये हमारा प्लांट फंगस का शिकार नहीं होगा। और अभी हम बात करते हैं इसकी केयर की। अगर केयर की बात करें तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर हम इसमें वाटरिंग ना भी दें, ये मान चलो 15 से 20 दिन तक, फिर भी इसके प्लांट के शाइनिंग में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। वाटरिंग इसमें इस तरीके से करनी है कि इसकी मिट्टी अगर गिर रही है तब आप वाटरिंग कर सकते हो, अगर चिपक रही है तो कभी भी गलती से भी वाटरिंग मत करना, नहीं तो आपका प्लांट जो है सूख जाएगा, इसकी रूटिंग डैमेज हो जाएगी। और बाकी अगर ग्रोइंग की बात करें तो आप इसमें 2 महीने में एक बार DAP डाल सकते हो, या फिर गोबर खाद जो पुरानी होती है उसको डाल के गुड़ाई कर सकते हो। तो ये प्लांट आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और अभी आप देख सकते हो इसमें गोबर खाद मिक्स है, और ये गोबर खाद मिक्स है इसमें, और आप देख सकते हो इसमें जो नए नए बेबीज निकल के आ रहे हैं। और अभी गर्मी का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा बेबीज निकल के आएंगे इस प्लांट से। तो कुछ इस तरीके से जितने सारे प्लांट्स हैं हम उनके जो पत्तियां हैं रिमूव कर देंगे और हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगर आपका भी प्लांट इस तरीके से हो गया है तो आप भी इस तरीके से केयर कर सकते हो। और बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सर्दी के मौसम में आप अपने प्लांट को, स्नेक प्लांट को इंडोर में रख लीजिए, आपका प्लांट कभी भी बेकार नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने स्नेक प्लांट को केयर और ग्रो कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो स्नेक प्लांट के बारे में अच्छी लगी होगी। और बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।